और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। तो अभी क्या आप अंदर जा रही हैं? अभी तो देखिए अंदर जाने का सवाल नहीं है, अभी तो पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है, तो अभी हम यहीं पे इंतजार करेंगे। अभी आएंगे क्या और आप लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे? वो तो स्वाभाविक है, आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। कर दिए हैं, देखिए ये बिल्कुल साफ है कि क्या हो रहा है। ये दिख रहा है कि आज ही हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि समन्स क्यों ना क्वाश किए जाएं। आज ही हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है, ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है वो नेता अरविंद केजरीवाल है। ईडी कह रही है कि फिलहाल ये भी सर्च ऑपरेशन है और पूछताछ की जा रही है, तो सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें चार चार बसों में पुलिस भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें दो दो वैन रैपिड एक्शन फोर्स भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? तो ये बिल्कुल साफ है, देखिए ये कोई पहला सर्च ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है, सैकड़ों जगह रेड मार चुके हैं, एक रुपया नहीं मिला है ईडी को दो साल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो सैकड़ों अरविंद केजरीवाल इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। हो पा रहा है अरविंद जी से बात में कुछ बात अभी हो रही है? कोई संपर्क नहीं है। गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या आप लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए अभी तो देखते हैं क्या होता है। अभी पुलिस आपको जाने दे रही है या नहीं? नहीं, अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं।